स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। आज हमें सुबह सुबह ना उठते या आँख खुलने से पहले निमंत्रण मिल गया कि यहाँ साइड में ही हमें भंडारा खाने आना है। पूरे बांद्री में यहाँ जो भागवत चल रही थी ना, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि चाची के घर पे साइड में ही एक भागवत कथा चल रही है, किसी का स्वर्गवास हो गया था तो उसी के नाम से ही यहाँ पे भागवत कराई उनके परिवार वालों ने, और नवमी तक चला। पहले नवरात्र से नौ नवमी तक ये भागवत कथा चली है और आज दस हवन हुआ था वो तो खत्म होने के बाद लास्ट में हवन करने के बाद पवित्र कर दिया है ना। और अभी क्या हुआ है, आज भंडारा है, पूरे बांद्री का निमंत्रण है और अभी आए थे उन लोग जिन लोगों ने करा रहे हैं परिवार को क्या क्या बोले वो लोग चाची को शरमा रखी है। दोस्तों अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मैं पुष्पेंद्र और ऋतिक, हम लोग जा रहे हैं खेजरा गांव। खेजरा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे शिव मंदिर है, बड़ा ही खूबसूरत है और वहाँ पे शिवलिंग रखी हुई है और माना जाता है कि वो एक प्राचीन शिवलिंग है, तो वहीं के दर्शन करने जा रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे कितना खूबसूरत मंदिर है शिव मंदिर, उनके दर्शन कराएंगे और हम भी करके आएंगे। क्या चलते हैं, निकल गए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, सोचा थोड़ा पेट्रोल डलवा ले, पेट्रोल हमने यहाँ से डलवाया। और फिर ये देखिए ये रास्ता ना बड़ा ही ख़तरनाक वाला है, ये साइड से ही निकल रहा है थोड़ा, मतलब हाईवे पे चढ़ने के लिए बड़ा ही अजीब सा रास्ता है, तो हमने यहाँ से उठाई गाड़ी अपनी, हाईवे पे चढ़ा दी फिर। और हाईवे पे चढ़ते ही अपनी बाइक एकदम स्मूथ मस्त चल रही थी, बातें करते करते हम लोग खेजरा गांव पहुंच जाते हैं। बांद्रे से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी था, 15 मिनट में हम लोग यहाँ आ गए थे। पहुंच चुके हैं हम लोग महादेव के मंदिर में और आकर बाइक पार्क कर ली। बांद्रे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये खेजरा गांव जहाँ पर वो महाशिवलिंग स्थित है। क्या बता रहे थे अभी, बांद्री से बारात भी आती है इधर शिव जी के मंदिर। अच्छा, यहाँ खेजरा मंदिर में बांद्री से बारात लेके आते हैं भोलेनाथ की, फिर यहाँ पे बस की होली खिलाई जाती है ऐसा। आए हो तुम उस दिन शिवरात्रि में, कैसा रहता है? पैदल आए थे और अच्छा लगता है। कितनी भीड़ रहती है? बहुत बहुत ज्यादा, डीजे मीजे 10-5 डीजे थे, नहीं एक पूरे ट्रक। अभी हम लोग महादेव मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। ये जो आप बाबा जी देख रहे हो इसी मंदिर में सेवा करते हैं, ठीक, और मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया। ये अभी आप देख रहे हो व्यक्ति को, ये नंदी के कान में ना अपने विष को कह रहा है। इस मंदिर में ना नंदी के कान में अपने अगर कोई विष बोल दे तो उसकी पूरी हो जाती है, ऐसी कोई मान्यता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए महाशिवलिंग के, यही वो शिवलिंग है। महाशिवरात्रि के दिन भस्म की होली खेली जाती है और इस शिवलिंग को सजाया जाता है, आँखें बनाई जाती है, पूरे तरीके से भोलेनाथ का रूप दिया जाता है। अभी ना यहाँ पे पूजा की जा रही है, यहाँ पे सभी लोग आते हैं पूजा कराते हैं, यहाँ पे पंडित जी द्वारा विधि विधान से पूरी पूजा की जाती है। पूरे भोलेनाथ शिवलिंग को आप देख सकते हो पूरी सजा के, भस्म अभी भी भस्म लगाया जाएगा, पूरे तरीके से रीति रिवाज से पूजा की जाती है और काफ़ी सुंदर रहता है यहाँ पर। हमारा भी सौभाग्य था कि आज हम पूजा में शामिल हो पाए। मंदिर के अंदर विराजमान है सभी देवी देवता, जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे पार्वती मैया है, नाग देवता है और इधर गणेश जी है। महादेव जी की पूजा हो रही है, आप लोगों ने देखा कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइड में नंदी जी थे, नंदी जी के ना कान में अपनी विष बोलनी पड़ती है। अभी आपने देखा एक भैया जो थे, सभी लोग मतलब कान में बोल देते हैं नंदी जी के, अब वो मन्नत जो भी है उसकी विष होती है वो पूरी हो जाती है। अभी पुष्पेंद्र कह रहा था कि शिवलिंग के अलावा एक और मंदिर है, किस चीज़ का है? शिव जी का है। अच्छा, एक और है, कितनी दूर है? यहीं पर बाजू में। पुष्पेंद्र हमको यहाँ पे ना गाय दिखा रहा है, इसी मंदिर में यहाँ पे गाय भी रखी हुई है, सब लोग यहाँ पे आके दान करते हैं, गाय को खाना वगैरह खिलाते हैं। बड़ी ही खूबसूरत गाय है यहाँ पे, गाय है ये तो, बड़ी प्यारी लग रही है ये वाली गाय, ये भी मस्त लग रही है, देखो पूरी ब्लैक है, सारी अच्छी लग रही है यार। ठीक है, आते हैं उस मंदिर में घुमाते हैं। तो गाय सुबह मैंने बताया था कि यहाँ चाची के घर के साइड में जो भगवत हो रही है वहाँ पर भंडारा है, तो सबसे पहले ना उस भंडारे का प्रसाद गौ माता को दिया गया। तो गाइस जो बाबा जी दिखाए थे ना वहाँ पे खड़े थे शुरू में जब हम आए थे, तो उनका ही आश्रम है ये भी, उनकी पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे, ये यहीं पे रहते हैं, यहीं पे भोलेनाथ जी की सेवा करते हैं। इस टाइप से सजाते हैं, अभी मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे भस्म लगाई जाती है और कैसे पूजा हुई थी उस दिन, वो मेरे पास क्लिप रखी है तो मैं आपको शेयर करूँगा दिखाऊँगा। महा खूबसूरत शिवलिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और भस्म की होली खिलाई जाती है। अभी आप लोग देख रहे हो भस्म की होली खिलाई जा रही है महाशिवरात्रि पे भोलेनाथ जी को, और काफ़ी अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर में सभी भगवान के दर्शन करने के बाद फिर हमने बाहर आके ना अपने माथे पे तिलक धारण किया
अभी मैं ऋतिक को लगा रहा हूँ। यहाँ पे चंदन है, चंदन से मैंने पूरे माथे पे लगा के ना, फिर बीच में उसमें वो लगाया जाता है सिंदूर, वो सारा चंदन का ही होता है, चंदन के पाउडर से बनाया हुआ होता है तिलक, तो वही सब हम धारण कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं ऋतिक को कर रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को करूँगा, और मैंने पुष्पेंद्र को भी लगाया था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी चंदन धारण करने के बाद। अब मैं अपने आप को चंदन धारण करूँगा, चंदन से माथे पे यहाँ से ना। हाँ, तीन उंगली थोड़ी गैप देते हैं। नहीं गैप नहीं देते, थोड़ा सा नहीं बनी, ऐसे ही पोत देते हैं। अब वो लगा लो, अब आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, बन गया क्या? हटो हटो, बीच में आप वो लगा दे, बिल्कुल बीच में। ये तो अभी भी है, ये स्वर्गवास हो गए हैं ना, इनके दादाजी हैं, पहले यही रहते थे इस मंदिर में, अभी इनके पोते रहते हैं। तो मंदिर लगा के ना बड़ा ही मस्त लगता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों को प्यास लगाई, फिर हमने ठंडा पानी पिया। मंदिर आपको कैसा लगा? अभी हम लोग रिटर्न घर जा रहे हैं, ऋतिक अभी बोल रहा था भैया चिप्स खाना है, तो वहाँ सामने रेस्टोरेंट भी है, मंदिर की जड़ में रेस्टोरेंट भी है, खाना वगैरह भी मिलता है, तो चिप्स लेने गया है। चिप्स लाने के बाद हम लोग फिर बांद्री चले चुके हैं। मेरे को ना एक ऑफर मिल गया, मथुरा जाने का चांस मिल गया, मेरे भाग्य कि मुझे वहाँ मथुरा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पता है टिकट निकाल ली मैंने, ये मेरा IRCTC का पासवर्ड है, देख लीजिए, नंबर नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग ना मेरी IRCTC से खोल लोगे। तो क्या हुआ, 5 तारीख को मेरा कंफर्म हो चुका है, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है, सरप्राइज है। वो लोग 5 तारीख को ना अन्नप्राशन करने आ रहे हैं माधव का, और वो माँ वहाँ का ना ब्लॉग एक नंबर आने वाला, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दिखाऊंगा वहाँ का अन्नप्राशन होगा। 5 तारीख को प्रोग्राम है, 7 तारीख को मैं रिटर्न निकालूंगा या फिर मेरठ जाऊँगा, वो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे एग्जाम है 29 तारीख से, 1 महीना पूरा पड़ा है। तो सोच रहा हूँ मथुरा जाऊँ, अन्नप्राशन में शामिल हूँ, और बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे को जाने को मिल रहा है माधव के अन्नप्राशन में। तो मिलते हैं वहीं पे मथुरा में, और टिकट तो मेरी हो चुकी है, अभी मैं वही निकाल रहा था, मैं पासवर्ड भूल गया था, रीसेट करके उसी पे लिख दिया था। पर प्रॉब्लम यह है कि अभी मेरी टिकट ना वेटिंग है, और मैंने ऑनलाइन निकाली है, अगर मेरी कन्फर्म नहीं होती तो ये टिकट पूरी वेस्ट जाएगी, मुझे वहीं से लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं अपने नसीब, अगर मथुरा जाने का मिला ना, मुझे पूरा भरोसा है कि कंफर्म हो जाएगी। मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था, अचानक से कैसा ऑफर आ गया ना मेरे पास कि हाँ मथुरा जाना ही पड़ रहा है, और ये एग्ज़ाम की डेट इतनी लेट पड़ी। माधव जी भी चाहते, देखो माधव जी मुझे छोड़ने आए थे मथुरा, अभी उन्होंने मुझे अपने अन्नप्राशन पे भी इन्विटेशन दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, टिकट हो चुकी है, और आगे का शेड्यूल क्या है बताएंगे आगे ब्लॉग में।